हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, थंबनेल में देख के आपने समझ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। जी फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है और आपके जो ब्लड में है RBC की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, आपने डॉक्टर को दिखाया है और मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, झुंझुनाहट रहती है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ आज विटकोफॉल इंजेक्शन के बारे में। देख लीजिए, ये विटकोफॉल इंजेक्शन है फ्रेंड्स। ये अगर इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये 10 ml के एक वॉयल में आता है और इसको बनाया गया है FDC कंपनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि विटकोफॉल इंजेक्शन का यूज़ कब 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 करना चाहिए, क्या इसकी डोजेस फॉर्म होती है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस रूट से इसको दिया जाना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ विटकोफॉल इंजेक्शन के बारे में, तो मैंने इसको बताया कि ये 10 ml में आता है। तो इसकी जो डोज मेन रहती है वो 1 ml दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। बट फ्रेंड्स, कई जो डॉक्टर हैं अपने प्रैक्टिस के अनुसार इसको 2 ml भी दे सकते हैं, 2 ml भी देते हैं, बट वो अल्टरनेट डेज पे देते हैं। जैसे एक दिन के गैप के बाद में आप 2 ml लगवा सकते हैं। तो अगर आप ये 100 ml का वॉयल लेते हैं तो 5 दिन आपका 5 बार ये इंजेक्शन लग जाता है। बट फ्रेंड्स, ये क्लिनिकली यूज़ के लिए रहता है, आप अपने आप। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 ml का वॉयल होता है, या आप 2-2 ml अगर लगाते हैं तो 5 बार आपका ये लग जाता है। इसकी पूरी डोज लगानी ज़रूरी होती है, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ कब कब करना चाहिए? तो अगर आपको थकावट लगती है, बहुत ही जल्दी कमजोरी का महसूस होने लगता है, कुछ भी काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। फ्रेंड्स, कई लोगों को हाथ पैरों में झुंझुनाहट देखी जाती है कि उनको लगता है चींटी जैसी काट रही हैं, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा विटकोफॉल इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी RBC काउंट कम हो गया है, या फिर विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो भी डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन दिया जाता है। कई लोगों को फ्रेंड्स रात में पैरों में जलन देखने को मिलती है, कई उनको तलवे में जलन होती रहती है, और सोते टाइम उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर विटकोफॉल इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप उस कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर बात करें कि प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ रहता है या नहीं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई भी मेडिसिन अपने आप तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर के कंसल्ट पर ही यूज़ करें। फिलहाल ये सेफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको चक्कर आता है, कमजोरी लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, थकावट लगती है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उन सारी कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके मेन इसके यूजेस हो गए। अगर अब इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि किस रूट से ये इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, तो ये सिर्फ IM रूट से दिया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर। आपको IV नहीं लगाना है, नस में इसको नहीं दिया जाता है, सिर्फ मसल्स में इसका यूज़ किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जो लेने का सही तरीका होता है, आप 1 ml दिन में एक बार दे सकते हैं, या फिर 2 ml अगर आप देते हैं तो 2 ml अल्टरनेट डेज पे भी दिया जा सकता है। जो डॉक्टर हैं अपने प्रैक्टिस के अनुसार अलग अलग तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके मेन यूज़ हो गए हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बात करें कि इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो जिस जगह पे ये इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, इचिंग टाइप से भी आपको लग सकती है, ये चकत्ते जैसा भी फील हो सकता है, और थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। तो ये इसके मेन साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरे अनडिज़ायरेबल आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से तुरंत अवश्य कंसल्ट कर लें। और फ्रेंड, किसी किसी को ये एलर्जी रिएक्शन अगर शो कर रहा है तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, जिससे कि इस इंजेक्शन की जगह आपको कोई दूसरा इंजेक्शन दिया जा सके।
तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी विटकोफॉल इंजेक्शन के बारे में। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।